लच्छू लच्छू विनोद, इतनी रात में? विनोद, विनोद कहाँ जा रहा है? अरे विनोद कहाँ है तू? विनोद, 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 देखिए लड़का लड़की का कुंडली एकदम बढ़िया है, अब देर करने का कोई जरूरत नहीं। देखो मिल गया ना, इसलिए भैया लोग कहते हैं कि रामलो जो है वो शक्ल देख के बता सकता है कि कुंडली मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे रामलो जी आप, ये रिश्ता आपकी वजह से ही हो रहा है। चलिए चलिए पंडित जी को दक्षिणा दीजिए जी, और हाँ जैसे ही तारीख पक्की हो जाए हमको निमंत्रण भिजवा दीजिएगा, पंडाल से लेके खाना पीना का सारा व्यवस्था जो है डिस्काउंट में करवा देंगे, फिकर का कौन हो जरूरत नहीं है। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। चलिए, अरे नहीं आज रात हम यही रुकेंगे, कल एक और जोड़े का कुंडली जांचना है, तुम निकलो। अरे तो ये बात आपको पहले ना बताना चाहिए था महाराज, अब रात होने जा रहा है, ऊपर से जंगल का रास्ता है, हम अकेले कैसे जाएंगे? तो कौन से बड़े जानवर बच गए हैं अभी जंगल में? अरे लेकिन पंडित जी डर तो लगता है ना। अरे आप तो ऐसे डर रहे हो जैसे किसी निशी से आपका दुश्मनी हो गया और वो अकेला पाके आपको दबोच लेगी। पंडित जी एक बात पूछनी थी आपसे, हमने सुना है कि लच्छू को निशी उठा के लेके गई है, क्या वाकई में निशी होती है? लच्छू का हमको नहीं पता, पर होती है, मगर सिर्फ अमावस की आधी रात के वक्त ही दिखाई देती है निशी। निशी किसी जानने वाले की आवाज में बुलाती है, और अगर आप पलट गए या उसके दरवाजा खटखटाने पे आपने दरवाजा खोल दिया तो समझो गए काम से। लेकिन पंडित जी ये भी तो हो सकता है कि वो आवाज सच में हमारे किसी रिश्तेदार या पहचानने वाले की हो। हाँ हाँ, उसकी एक पहचान है, निशी केवल दो बार आवाज दे सकती है, तीसरी बार नहीं। अरे काहे डर आ रहे हैं महाराज, एक तो अमावस की रात में हमको अकेले भेज रहे हैं जंगल से, ऊपर से भूत प्रेत बतिया रहे हैं। अरे कुछ तो ख्याल रखो पंडित जी, अगर आपको नहीं जाना है तो मत जाइए, लेकिन ये भूत प्रेत की बात तो मत कीजिए, हम चले जाएंगे अकेले।
अरे 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 हे भगवान, इसको भी अभी होना था। कौन है? कौन है यहाँ? रामलो, विष्णु, इतनी रात को अचानक से हमसे गैस की जरूरत पड़ गई। रामलो, अरे आ रहे भाई। किसी किसी जानने वाले की आवाज में बुलाती है, और अगर आप पलट गए या उसके दरवाजा खटखटाने पे आपने दरवाजा खोल दिया तो समझो गए। उसकी एक पहचान है, निशी केवल दो बार आवाज दे सकती, तीसरी बार नहीं। इतना पत्तल तैयार हो गया है और ले जाने के लिए गाड़ी वाले का 3 दिन से कछु अता पता नहीं है। अरे वो सब छोड़ो, तुम हमको बस एक बात बताओ। जोहार भैया। जोहार लीजिए। जोहार चाचा। जोहार बेटा। कहा लो? ठीक है भैया। गोपिन के लिए कोई अच्छा सा लड़की ढूंढो, कहा ना घर का काम बहुत बढ़ गया। अरे नहीं, हम आज उसके लिए नहीं आए। एक बात बताओ, कल आधी रात को तुम हमें काहे बुलाने आए थे? अरे हम काहे बुलाने आएंगे, लगा लिए थे का? नहीं नहीं, कुछ लगाए तो नहीं थे, शायद सपना देखे होंगे। सपना देखे होंगे भैया, कितनी बार का है। गोपिन के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दो, कोई अच्छी लड़की देख के। हैं, अरे उसका दूसरा शादी है ना, इसलिए थोड़ा टेम लग रहा है। वैसे छुटके के लिए बोलो तो फौरन हो जाएगा। वैसे सुकवा है कहाँ? अरे पटना गया है नौकरी का सिलसिले में। भाई हमको लगता है वो जल्दी शादी नहीं करेगा, तुम ही गोपिन के लिए देखो बस। अच्छा ठीक है, गोपिन के लिए ही कुछ करते। अच्छा अब हम चलते हैं। रामलो, लेकिन इस बार थोड़ा ध्यान से, पिछली दफा की तरह ना हो। शादी को महीना भर नहीं हुआ और भाग गई किसी और के साथ।
ध्यान रखेंगे। अरे वो अशोकवा का छू बोल गया, कब तक आएगा? जोहर बाबा, किधर जा रहा है वो? हमको लगा कि कुआं में कोई है। जो है वो दिखता नहीं, और जो दिखता नहीं उसके पीछे जाना ठीक नहीं। जा अपने रास्ते चला जा, इसी में तेरी भलाई है। जोहर पंडित जी। अरे रामलो, सुबह सुबह ही आ गए, ये लो तुम्हारा कमीशन। अरे पंडित जी, हम इस कमीशन के लिए नहीं आए, कल रात हम मरते मरते बचे हैं पंडित जी। क्या बात कर रहे हो? कल जंगल से जाते वक्त हमारे पीछे कोई पड़ गया था पंडित जी। कौन? पंडित जी आप सुनेंगे तो आपका कलेजा कांप जाएगा। कल रात 3 बजे हमको 2 बार आवाज दिया है। अच्छा, वो तो अच्छा हुआ हमें आपकी निशी वाली बात याद आ गई, इसलिए हमने दरवाजा नहीं खोला, नहीं तो हमारा राम नाम सत्य हो जाता पंडित जी। क्या बात कर रहे हो, हमारी आवाज में बुला रही थी? अरे नहीं पंडित जी, विष्णु की आवाज में। पंडित जी हम पता करके आए हैं कि वो विष्णु नहीं था, निशी ही थी। अरे हाँ, कल तो अमावस की रात थी। लेकिन पंडित जी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि निशी ने हमको विष्णु की आवाज में ही क्यों आवाज लगाई। बताए तो थे निशी किसी परिचित की आवाज में ही बुलाती है, मगर हमने क्या किया जो हमारे पीछे लग गई? हमने तो सुना है निशी उन्हीं के पीछे पड़ती है जिनसे उनका कोई बैर है। अरे महाराज, हम तो सभी का भला करते, हमसे भला किसका बैर होगा? और अगर अनजाने में हमसे कोई भूल चुक हुई तो आप बताइए पंडित जी हम क्या करें, क्या करें? एक काम करते हैं, अभी के लिए धागा बांध देते हैं, अगर तुमसे कोई गलती नहीं हुई होगी तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, वरना कल सीधे जाकर टीले वाले बाबा के पैर पकड़ लेना। हाँ, हाँ। जानते हैं पटना में हमारा नौकरी पक्का हो गया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटवा। 7 तारीख को बोला ज्वाइन करने के लिए, तो 7 को जाना होगा। 7 को तो अमावस है। देख बचवा, कोई भी शुभ काम अमावस के दिन ना ही करते,
तुम 8 तारीख की सुबह सुबह निकल जाना। अरे ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी माँ, एक ही दिन का तो बात है, 8 को चले जाना, खाना खाओ। और हाँ सो, वो रामलो आए रहा, तुम्हारा शादी के बारे में बोल रहा था। बाबूजी, अभी 5 साल तक शादी का बात मत करिए, अभी नया नया नौकरी लगा है तो थोड़ा कदम जमने दीजिए ना। देखो बेटा, तुम्हारी माँ को भी तो हाथ बटाने के लिए कोई चाहिए। तो गोपिन भैया का शादी करवा दीजिए। हाँ भैया, हम ठीक कर रहे हैं ना? अशोक, भैया इतनी रात को बाहर क्या करने चले गए? अशोक, हाँ भैया, कहाँ हो गया? वहां क्या कर रहे हैं? आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। अरे भैया, कहाँ जा रहे हो? भैया सुनो तो। अरे भैया रुको तो। कहाँ हुआ भैया, यहां काहे लाए हैं? तो अशोक का चप्पल है।
अशोक को ढूंढना बेकार है। अशोक वापस नहीं आएगा। ये काम निशी का ही है। निशी? निशी वो लोग हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो और पिंडदान भी नहीं हुआ हो। ऐसी आत्माएं हर अमावस की रात अपना शिकार करती हैं ताकि वो जिंदा रह सकें। पिछले अमावस को मुझे भी उसने विष्णु की आवाज में बुलाया था, लेकिन हमारी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि निशी हम लोग के पीछे ही काहे पड़ी है। सत्य उतना ही नहीं होता जितना तुम लोग जानते हो। कभी कभी अनजाने में किए हुए कर्मों का फल भी भुगतना पड़ता है। बाबा, ये मुसीबत से छुटकारा पाने का कोनो तो उपाय होगा। ये लो भभूत, हर अमावस की रात्रि को घर के सभी लोग टीका लगाकर सोना। अब हमको भी पूरा विश्वास हो गया है इस सब की अधरा सदमिति का ही है। उसने ही राम लोग को आवाज देकर बुलाया था, इसीलिए कि उस शादी उसने कराया था। हमारे अशोक का कसूर इतना ही था ना कि वो गोपिन को दूसरा शादी के लिए बोल रहा था। लेकिन सदमिति के साथ जो भी हुआ उसमें हम लोग का क्या कसूर था? वो खुद ही ना तो एक अच्छी औरत अना बहू। सारा दिन काम करते करते कमर टूटी आ गई और महारानी है कि सर दर्द का बहाना करके बैठी। जाने कि थोड़ा सा काम करवा ले तो मदद ही हो जाए। सदमिति, ये क्या कर रही हो तुम? हैं? फोटो देख रही हो? हमारी माँ यहाँ पसीना बहा रही है, लाओ उसको। सुनाई नहीं दे रहा है? आइंदा अगर देखे ना तो कुछ बोलेंगे नहीं, जुत्ते जुत्ते जुतिया देंगे। ए माँ, झाड़ू दो इसको, कैसे नहीं करेगी। ओहो, बड़े आए जुत्याने वाले। ये जो जूता पहने हो ना, ये भी हमारे बाप ने शादी में दिया है। और हाँ, हम शादी करके तुम्हारी घरवाली बनकर आए हैं, काम वाली नहीं। और कान खोलकर सुन लो, हमारी मर्जी होगी तो हम काम करेंगे, वरना कोनो काम को हाथ नहीं लगाएंगे। ये गलती मत करना। शर्म नाम की तो चीज ही नहीं रह गई थी उसमें। भूगोल देख रहे हो? अरे हम तो आंखों में नक्शा तैयार कर लिए हैं। ये तुमको यहाँ पर लंगड़ी खेलने के लिए लाया है? अगर खेल लिया तो क्या हो गया? लौंडे लपाड़े यहाँ पर तुम पर आंख फाड़ रहे हैं, दिखाई नहीं देता है तो देखें, उनका परेशानी है हमरा नहीं, हम क्या करें इसमें? मतलब तुमको अपना कोनो शर्म लिहाज नहीं बचा है। चलो अंदर चल। शर्म ना हमको नहीं तुमको करना चाहिए। और तुम लोगों में अगर हमारे बाबूजी जितना थोड़ा भी दम होता ना तो इन लोगों का हिम्मत नहीं होता कि हमारे ऊपर आग भी उठाकर देख लेते। वो औरत जिसके बदन में बेशर्मी और मुंह में मुंहजोरी हो ना, उसको कोई पार नहीं लगा सकता। देवी भी अपने मामा के घर गई है, हमरा उकरे बिना मन नहीं लग रहा है, तो हमने भी सोच लिया है कि हम भी अपने बाऊजी के घर जाएंगे।
ये भौजी का यहाँ पे चटकारा लेकर खाने आई है? अम्मा हमारी चूल्हा फूक फूक करके मर जाती है और ये महारानी बस पैर पसार कर बैठी रहेंगी। उनको न घर का एक काम करना है, न पत्ता चुनना है, न उनको पानी भरना है, तो घर में है कहाँ के लिए? और खाना भी उनको सबसे पहले चाहिए। हम तो खुद ही परेशान हैं इसे, समझे नहीं आता क्या करें। आप एक काम करिए बाबूजी, वो जहां से आई हैं उनको वहीं ले जा करके पटक दीजिए। और भैया आप उनको दोबारा लाने मत जाइएगा। का अशोक, बहुत पटका पटकी बक रहे हो? अभी तो हम सिर्फ बोल रहे हैं, बक नहीं रहे हैं। ठीक है चलो अब बको। अगर तुम्हारे मुंह में हमने धनिया ना बो दिया ना, तो हमारा नाम भी साथ बीती नहीं। अरे पगला गई होगा? अगर पगला गए ना तो इको कपड़े की तरह निचोड़ कर सुखा देंगे। सदिति चुप, एकदम चुप। हम बोल रहे हैं कुछ कर डालेंगे तुम्हारे साथ, जेल चले जाएंगे। अरे अगर कुछ करना होता ना तो अपने भाई का करते, क्योंकि तुम्हारे सामने हमारी इज्जत उतार रहे। अरे जिस औरत का बेइज्जती उकरे आदमी के सामने हो, उका जीने का कौनो हक नहीं है, उको तो मर जाना चाहिए। अरे पगला गई होगा? मत, जो होता अच्छे के लिए होता है। फांसी हो जाएगी हम सबको। अरे फांसी तो तब होगी ना जब किसी को इसकी लाश मिलेगी। पर चार लोग तो पूछेंगे ना कि बहुरिया कहाँ चली गई। तो बोल देंगे ना वो अपने यार के साथ में भाग गई है। सदमिति ही है, अपनी हत्या का बदला ले रही है। इसका मतलब बहुजी किसी के साथ घर से भागी नहीं थी। देवी हमरा बात सुनो, यहाँ पर कोई जानबूझ के कुछ नहीं किया था, वो अपना गलती से मरी थी। हम सब खाली उसका लाश को कुआं में डाले थे अपना जान बचाने के लिए। हम जानते भौजी को और वो ही निशी बन गई है तो किसी को नहीं छोड़ेगी, हम सब मारे जाएंगे। नहीं कोई नहीं मरेगा, हम सब बच जाएंगे। कैसे बचेंगे? पिंडदान से। हाँ हमको टीले वाले बाबा का बात याद है, वो कहे थे कि अगर हम सद्विति का पिंडदान कर देंगे तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और दूसरी दुनिया में चल जाएगी।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वज्ञं शांतिः शांतिरेव शांतिः साम शांतिरेधि। अब आप मृतात्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु को प्रणाम करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविरदानगम्यं। ओम पितृभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। पति मृत आत्मा की शांति के लिए ये भोजन ले जाएं और खुली जगह में रख दें। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वो आए और इसे ग्रहण करें। हे सद्विति, तुम आओ, इसे ग्रहण करो और हम सबको मुक्ति दो। इतना सारा कौवा उड़ रहा है लेकिन एक भी कौवा खाना ही नहीं खा रहा। खा लेगा, चल यहां से, चल गोपिन बेटा, जल्दी चल, हो गया, चल। चलपा, तुम्हारा तो नसीब खुल गया, इस बार इतनी सुंदर बहू मिली है और घर परिवार भी बहुत बढ़िया है। चल बाबा नहीं दिख रहे? अरे गोपिन, जरा जल्दी आओ, देखो तुम्हारे बाबा नहीं दिख रहे हैं। माँ, 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 माँ,
माँ, माँ, माँ, तुम कहाँ हो? हम कुछ जान के नहीं गए थे, सब धोखे से बाधा तुम जानती हो ना, अब के बदले में तुम अशोक का जान ले चुकी हो ना, हम तो तुम्हारा पिंडदान भी कर देते, माफ कर दो, हमको माफ कर दो। हे भगवान, ये तो अपना गोपीन है। विष्णु बाहर आओ, अरे कुछ बताना है तुमको। रामलो ए विष्णु,